जैसे दुबे जी की शादी करवानी है तो शादी करवाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुबे जी का नाम, फैमिली इनकम, हाँ या ना, फैमिली इनकम, दुबे जी का नाम और कलर, कलर गोरा, हाइट, ठीक है, ठीक है, और वेट भी चाहिए क्या? अबे वेट कौन पूछता है यार, पूछती है क्या वो तो देख देख लेगी, तेरा पूछेंगे, तेरे तो देखिए सिर में कितना घोंसला पड़ा है। तो हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी के बारे में नॉलेज के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता करना है उसकी एनर्जी क्या है, वो कहां पे लोकेटेड है, उसका मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, इन सब बातों को बताने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए व्हाट वी हैव इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को बताते हैं, क्या बताते हैं क्वांटम नंबर्स, दे टेल्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, क्लियर है, हाँ है ना। तो हमारे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी हमें बताते हैं, ठीक है, कितने क्वांटम नंबर होते हैं, चार, तो नीचे लिखना, यूजिंग क्वांटम नंबर्स वी गेट द नॉलेज अबाउट आवाज आ रही है, यूजिंग क्वांटम नंबर्स वी गेट द नॉलेज अबाउट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट फोर क्वांटम नंबर्स, ब्रैकेट में लिखना, ऑफ द फर्स्ट फोर क्वांटम नंबर्स एन कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एस, ऑफ द फर्स्ट फोर क्वांटम नंबर्स, ब्रैकेट में लिखना, एन कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एस, ऑफ द फर्स्ट फोर क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट थ्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ऑफ द फर्स्ट फोर क्वांटम नंबर्स एन कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एस, फर्स्ट थ्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे पास पहले तीन क्वांटम नंबर आए। तो फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर हमें कहां से डिराइव करके मिले, श्रोडिंगर से डिराइव होके हमें पहले तीन क्वांटम नंबर मिलते हैं। चौथा क्वांटम नंबर का श्रोडिंगर से कोई लेना देना नहीं है, वो बस हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये चार क्वांटम नंबर हैं, मैं नाम बता देता हूं, वैसे अभी लिखना मत, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर। वी हैव फोर क्वांटम नंबर्स, कितने क्वांटम नंबर है, चार क्वांटम नंबर है। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर, ये चार है। लेकिन इन चारों को पढ़ने के पहले हम एक टॉपिक लेंगे इसी में, ऑर्बिटल। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में लिखना, It is the space where probability of finding of an electron. It is the space where probability of finding of an electron. It is the space where probability of finding of an electron is maximum. Is maximum. एन ऑर्बिटल फुल स्टॉप एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ
two electrons, maximum of two electrons full stop. तो हमारे पास what is orbital? बहुत interesting बात आई, ठीक है? Orbital क्या बला है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं Heisenberg की. बोहर ने आया था, बोहर ने कंसेप्ट दिया था, फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है. हाइजेनबर्ग आया, उसने बोहर के फिक्स्ड ऑर्बिट के कंसेप्ट को किसमें बदल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के कंसेप्ट से बदल दिया. देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत अंतर है, ठीक है. हम आगे जाके देखेंगे, पहले इसमें नीचे नोट डाल के लिख ले. हाइजेनबर्ग रिप्लेस्ड, नोट डाल के लिखना, हाइजेनबर्ग रिप्लेस्ड द फिक्स्ड ऑर्बिट कंसेप्ट ऑफ बोहर्स विद प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड ऑर्बिट कंसेप्ट ऑफ बोहर विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी probability density of an electron inside the orbital of an electron inside the orbital. एक मैं हाइजेनबर्ग पे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, वो तुम करके लाना. प्रूव दैट क्वेश्चन है, प्रूव दैट यू प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. रिसाइड का मतलब होता है रहना, RESIDES. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से आपको प्रूव करना है, ठीक है. ये आप कोशिश करना, वैसे आपसे होगा नहीं, करना मुझे ही है, पर तुम्हें होमवर्क दिया, जगह मत छोड़ना, ये वहीं पे कर लेना कहीं पे भी, ठीक है, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है. अब सुनना, मैंने ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए यूं ही दे दिया कि घर पे करना, ठीक है. अब सुनना, अभी मैं जो करवाने जा रहा हूं, इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक. अब मैं जो समझाऊंगा वो बहुत अलग कहानी है. पहले मैं डायग्राम बना लूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी टुगेदर ऑल. और जब ये टॉपिक, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब मैं समझाऊंगा फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. जब ये टॉपिक मेरा खत्म होगा उसी के बाद तुम्हें फील आएगी हाँ मैं क्या कह रहा था, गेटिंग माय पॉइंट. जब तक मैं खुद टॉपिक ना करा दूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा. तो मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं, सारे ऑर्बिटल बना रहा हूं, उसके बाद क्वांटम नंबर कराऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, उसके बाद जाके तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा. फिर लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत ईजी टॉपिक है, पूरे एटॉमिक का सबसे ईजी टॉपिक पढ़ रहे हैं. और इस बार IIT में क्वेश्चन आया, यहां से क्वांटम नंबर से IIT में क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे हम, वो क्वेश्चन भी करेंगे. तो पहले हम सबसे पहले ऑर्बिटल पढ़ लें. ऑर्बिटल के मैं डायग्राम बना रहा हूं, बनाते जाओ, ठीक है. अब आएंगे मजे, असली खेल यहां से चालू होता है. सबसे पहला है एस ऑर्बिटल. हाँ दुबे जी बोलो. स्फेरिकल इन शेप, non-directional in nature,
स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है, बस बहुत है, दो पॉइंट बहुत। और यहां पे बना दे डायग्राम, डायग्राम ढंग से बना रहे, ढंग से बनाना डायग्राम। ये एक्स एक्सिस, एक काम करता हूं कलर चेंज कर देता हूं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, तीन एक्सिस होती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यह हमारे पास एस ऑर्बिटल बन जाएगा, दिस विल बी अवर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ये हमारा बनेगा। तो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बना ले, इसी को हम और एस सबशेल भी कह देंगे। क्या बोल रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यहां उधर बना देते हैं। देख ले, यहां बना देता हूं एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा एस ऑर्बिटल, दिस इज अवर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, दिस इज एस ऑर्बिटल, और एस सबशेल, एस ऑर्बिटल और एस सबशेल बन गया सबका, एस ऑर्बिटल और एस सबशेल। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड बनाना पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में हमारे पास तीन होते हैं, थ्री, एक तो लिख दे डंबल शेप, डंबल शेप, डंबल शेप, और थ्री फोल्ड डीजनरेट। ये थ्री फोल्ड डीजनरेट होते हैं, अभी मैं समझा रहा हूं, थ्री फोल्ड डीजनरेट, थ्री फोल्ड डीजनरेट हो गए, तो डंबल शेप हो गया, थ्री फोल्ड डीजनरेट हो गए, ठीक है। हमारे पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल, डायरेक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट लिखना डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर, पी ऑर्बिटल हमारे पास डंबल शेप हो गया, सबसे पहले हम लिखते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स का मैं डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, इसे हम पी एक्स ऑर्बिटल कहेंगे, ये वाई है और यहां जेड है, जेड एक्सिस, पी एक्स ऑर्बिटल हमारे पास ये हो गया, दिस इज डायरेक्शनल इन नेचर, पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये हमारे पास नोडल प्लेन आएगा, मैं नोडल प्लेन बना रहा हूं, दिस इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, तो यहां लिख लेना ये हमारे पास हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल हमने बना लिया। सिमिलरली पी वाई पी जेड बना लेते हैं, नीचे बना देता हूं पी वाई पी जेड, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, इसका नोडल प्लेन बना देते हैं,
नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ये हो गया पी ऑर्बिटल, यहां लिख ले पी वाई ऑर्बिटल। इसके बाद आ जाएगा तीसरा पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड ऑर्बिटल। x एक्सिस, z एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, इसका नोडल प्लेन बना देते हैं, इसका नोडल प्लेन यहां होगा। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, ये नोडल प्लेन है इसका। वाई प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ये आप क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ये वाला प्लेन तो मुझे यू बनाना चाहिए वैसे, इसको है ना नोडल प्लेन को वहां बनाता हूं, एक्स वाई प्लेन दिखना चाहिए। मैं अभी समझा दूंगा क्या है, बहुत इजी है। नोडल प्लेन एक्स वाई प्लेन में बना, ये एक्स वाई प्लेन है, यू दिखेगा। बन गया सबका, अरे नोटिस ध्यान से देखना, अगर कभी नोटिस लगाओ, एक दो दिन में मैं नोटिस लगवा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्लास भी होगी और वो मूल का डिस्कशन बाकी है, वो पूरा करना है, तो नोटिस मैं लगवा रहा हूं। ठीक है, कभी भी देखते रहना, कभी भी लग सकता है।
पी सबशेल है हमारे पास, इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल है. मीन्स ये थ्री फोल्ड डीजनरेटेड मीन्स एनर्जी ऑफ ऑल थ्री ऑर्बिटल्स दैट इज पी एक्स पी वाई पी जेड इज सेम is same. Explain कर रहा हूं. बना लिया सबने? जल्दी कर, जल्दी draw कर. डी ऑर्बिटल की डबल डंबल शेप होगी, ठीक है. डी ऑर्बिटल में फाइव फोल्ड डी जनरेट होगा, फाइव फोल्ड डी जनरेट डायरेक्शनल इन नेचर पहला लिखा डबल डंबल शेप, फाइव फोल्ड डी जनरेट डायरेक्शनल इन नेचर. थर्ड है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल हमारे पास फाइव डी ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल, फाइव डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. पहले कहानी समझते हैं, कोई भी नहीं लिखेगा आप समझ ले. हमारे पास व्हाट हैपेंस, हम पुराने जमाने में जब बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, बोर ने एटॉमिक मॉडल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का दिया. किसका दिया? कोई भी नहीं लिखेगा समझ ले, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का दिया. एक इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड ऑर्बिट था, ऐसा बोर ने हमें बोला. बट नाउ व्हाट हैपेंस, अभी हम बात कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. हमने बोर में जो भी बात की हमेशा, जैसे हीलियम प्लस लिथियम टू प्लस बेरिलियम थ्री प्लस, इसकी बात करी. हमने कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करी है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है. मान ले दो इलेक्ट्रॉन है, अब दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन है. पुराने टाइम में बोहर ने बोला कि फिक्स्ड हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, पर हाइजेनबर्ग आया, उसने कहा देयर इज नो फिक्स ऑर्बिट. हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होते, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट. फिक्स्ड ऑर्बिट का हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं होता. हमारे पास कौन सा कंसेप्ट होता है? हमारे पास कंसेप्ट जो भी होता है वो प्रोबेबिलिटी का होता है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नाउ? ये प्रोबेबिलिटी क्या बोला है? सबसे पहले बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमें दिखता नहीं है, वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन. हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते. जैसे पंखा है, पंखे की तुम ब्लेड देख सकते हो क्या? कैन यू ऑब्जर्व द ब्लेड ऑफ फैन, मूविंग फैन की ब्लेड देख सकते हो? हाँ या ना? हमें क्या दिखता है? क्लाउड दिखता है केवल. क्या दिखता है हमें? एक क्लाउड दिखता है. हाँ या ना? हाँ या ना? क्लाउड दिखता है हमें, कोई ब्लेड नहीं दिख रही, हमें एक क्लाउड दिखता है. ये 2D में हमें दिख रहा है, टू डायमेंशनल स्पेस. इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड है. जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है, हमें टू डायमेंशनल की अब बातें नहीं कर रहे. ऑर्बिट जो था टू डायमेंशनल की बातें करता था. ऑर्बिटल में बात, ऑर्बिट और ऑर्बिटल इज डिफरेंट. ऑर्बिट ऑर्बिटल जैसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है, हाइजेनबर्ग ने प्रोबेबिलिटी की बात की. अब प्रोबेबिलिटी की मैं वही बात करने वाला हूं. देखो प्रोबेबिलिटी की क्या बात है. एस सबशेल हमारे पास, या एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल. एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
एस ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिख रहा है. वी कैन नॉट ऑब्जर्व. इवन ऑब्जर्वेशन में इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड, दैट इज 10^6 मीटर पर सेकेंड. 10^6 मीटर पर सेकेंड से जब कोई पार्टिकल घूमेगा, वी कैन नॉट सी दैट पार्टिकल. हमें क्या दिखता है? एक क्लाउड दिखता है नेगेटिव चार्ज का. तो हमें सिर्फ थ्री डायमेंशनल एक स्फीयर दिखता है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज क्या है, घूम रहा है. हमें क्या दिखता है? एक नेगेटिव चार्ज घूमते हुए दिखता है. देयर इज नथिंग लाइक कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में यह दिखता है. हमें क्या दिखता है? एक क्लाउड दिखता है. एक क्लाउड हम देखते हैं, हम इसको नाम देते हैं ऑर्बिटल. और इस क्लाउड में हम कहते हैं ऑर्बिटल वो जगह है. डेफिनेशन मैंने ऑर्बिटल की लिखाई. ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या लिखाई? ऑर्बिटल इज द स्पेस. ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना सबसे ज्यादा है. दैट इज 80-85% लिख दे नीचे. दैट इज वहां पे ये और लिख दे. ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वहीं पे पहली लाइन शुरू में ऑर्बिटल में पहली लाइन लिखी थी. That is 80-85%. Orbital is the space where probability of finding of electron is maximum. Maximum के बाद लिखना. That is 80-85%. Maximum लिखा हुआ है वहां पे देख. पहले वाले orbital की definition देखना. Orbital की maximum के बाद लिखना है तुम्हें. Probability of finding of electron is maximum. That is 80-85%. 80-85%. यानी इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना श्रोडिंगर ने कहा वहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना किसी ऑर्बिटल में क्या होती है? 80-85%. अब ये ऑर्बिटल बला क्या है, हो क्या रहा है? सबसे पहली कहानी आती है यहां पे. हमारे पास एटम कैसे होता है इसको सबसे पहले देखेंगे. एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है. क्या है बीच में? न्यूक्लियस. देयर इज न्यूक्लियस इनसाइड एन एटम. अब बॉल एक समझ. एक बॉल है जिसकी मोटी चमड़ी है. बॉल की चमड़ी क्या है? मोटी. एक बॉल है, मोटी चमड़ी है इस बॉल की. बॉल थिक है, बॉल पूरी मोटी चमड़ी है. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे शेल. क्या कहेंगे? शेल. शेल का मतलब है एक मोटी चमड़ी है, मतलब वो पार्ट, बॉल का वो पार्ट. मोटी चमड़ी समझ में आई गया सबका. उस शेल में होती है सब शेल. क्या होती है? शेल के अंदर होता है सब शेल. शेल है एक मोटा ऐसा, चारों तरफ मोटी चमड़ी वाली बॉल है, उसमें ही सब शेल है. और उस सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल. उस सब शेल के अंदर क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल. उस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है. ऑर्बिटल का मतलब है हमारे पास ये सारे उसी सबशेल के अंदर. यानी न्यूक्लियस कहां है? यहां पे. न्यूक्लियस कहां होगा? यहां. न्यूक्लियस बीचों बीच है. न्यूक्लियस बीचों बीच है. अब सुनना, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है. ऑर्बिटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन का रहने का घर. एक ऑर्बिटल में केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. एक भी रह सकता है पर दो मैक्सिमम रह सकते हैं. मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में. और एक भी रह सकता है ऐसी थ्योरी कहती है, या जीरो भी हो सकते हैं पर मैक्सिमम दो हो सकते हैं. अब ऑर्बिटल में बोला गया कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना क्या है? मैक्सिमम. बाकी इलेक्ट्रॉन कहां है? 80-85. मैंने अभी अभी लिखाया 80-85% इलेक्ट्रॉन यहां है. बाकी कहां है? बाकी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. मतलब इतना भयंकर खेल है कि हम समझ ही नहीं सकते. सुनना, मेरे हाथ पे चौक का एक दाना लगा हुआ है. यहां पे क्या है? एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है. वो इलेक्ट्रॉन का हमें क्या दिखता है? बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है. हमें क्या दिखता है? क्लाउड. इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. अब तू सोच, ये इलेक्ट्रॉन 80-85% होने की संभावना यहां है. बाकी कहां है? वहां माइनस इन्फिनिटी से वहां माइनस प्लस इन्फिनिटी. हाउ दिस इज पॉसिबल? मतलब तुम्हारे दिमाग में चक्कर आएंगे, क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ठीक है, दिस इज क्वांटम थ्योरी. पता है क्वांटम थ्योरी समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है. हालांकि हमारे सिलेबस में सब कुछ समझने लायक है, कुछ भी नहीं है. अभी शुरू में बहुत टफ लगेगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा. मतलब मैं समझा रहा हूं ना, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पर कोशिश करो कि जो मैं कह रहा हूं वो याद रखो. इससे धीरे धीरे समझ में आएगा. अब कहानी क्या है? ऑर्बिटल एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है. अभी हमें यह नहीं पता, वापिस से बता रहा हूं, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है. हमें नहीं पता क्यों? अरे एक बार बता, ये पी ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है? वी डोंट नो. यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है? वी कांट से एनीथिंग. हम जानते ही नहीं इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, हम नहीं जानते. अरे यार, बहुत तेजी से कोई चीज घूम रही है, मूव कर रही है, हम उसे देख सकते हैं क्या? ऑब्जर्व कर सकते हैं? अब हमें थोड़ी पता यू घूम रहा है. यू भी घूम सकता है, यू घूम सकता है. हमें क्या पता कैसे घूम रहा है?
सो हमें तो क्या दिखता है, एक क्लाउड दिखता है हमें. ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, एक क्लाउड. क्लाउड का मतलब एक नेगेटिवली चार्ज क्लाउड हमें दिख रहा है. अब वो क्लाउड हमें समझा, हम समझा नहीं सकते कि वो क्लाउड में इलेक्ट्रॉन का कैसे घूम रहा है. वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट. इसीलिए हम बोहर का कंसेप्ट एक इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे पे असर आ जाता है. एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे पे क्या आ जाएगा, असर आ जाएगा. तो ये पीएक्स ऑर्बिटल है. हमारे पास बहुत सारे शेल्स होती हैं, उनमें सब शेल्स होती हैं. अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस सुन ले. और उसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं. मैंने ऑर्बिटल बनाया, पी ऑर्बिटल ऐसा होता है. मैंने बस जो जो काम की चीजें, चल कल समझाते हैं, है ना. ये कंटिन्यू है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, डरना मत. मैं गारंटी दे रहा हूं ये सबसे इजी पार्ट है पूरे चैप्टर का.